संगम पैलेस के पास हो गया ले गया मर रहा है। एक सेकंड इसमें आए चल भाई राजू तेरा नाम रहेगा। राजू गांधी अमर रहे। राजू गांधी अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। राजू गांधी अमर रहे। वो आ गए आगे एक मिनट इधर देखिए डालिए 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 चलिए ग्राउंड में फिर आगे राजीव गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। क्या मना रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से क्या आज राजीव गांधी जी की जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनकी पुण्यतिथि है। वो 21 मई को 1991 को हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने एक कल्पना की थी भारत को 21वीं सदी में ले जाने की और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे हमने उस मंजिल को पा लिया है। इसके पहले जवाहरलाल जी जब प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने आधुनिक भारत बनाया था। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने देश में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण गरीबों के लिए तमाम योजनाएँ बनाई गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया जिससे आज हम कृषि में आत्मनिर्भर हैं। राजीव जी हमारे बीच में ज़्यादा दिन नहीं रहे लेकिन उन्होंने जो आधुनिक भारत की आधारशिला रखी थी आज उसी पे पूरा देश चल रहा है। दुख की बात यह है कि अब जो लोग आ रहे हैं जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था जो अंग्रेज़ों के साथ थे आज वो सारी चीज़ को नकार रहे हैं। उसी तरह जैसे कि कहा गया है कि मूंदी आँख कतौ कुछ नहीं तो ये खुद भी आंख मूंदे हुए हैं और पूरे भारत को भी आंख मूंद के दिखाना चाहते हैं। मैं नौजवान भाइयों से अपील करूंगा कि आप लोगों को 18 वर्ष का मताधिकार राजीव गांधी जी ने दिया था। आज अगर हम लोग 18 वर्ष के भी नौजवान वोट दे पा रहे हैं तो ये राजीव जी की ही थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का विशेष करा और पंचायती राज को भी उन्होंने मजबूत किया था। इस प्रकार वो एक जो आधुनिक भारत है उसकी आधारशिला है मजबूती आधारशिला रखी जिसमें ये भारत चल रहा है। अपने जो आने वाले लोग हैं हम चाहेंगे कि उसको नकारें ना इसको आगे बढ़ाएं। मैं अनुग्रह नारायण सिंह पूर्व विधायक यहाँ से रहा हूँ। आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 27वीं पुण्यतिथि है। वो बलिदान जो 27 साल पहले पेरम्बदूर में राजीव जी ने अपने शरीर के एक एक टुकड़े को मांस के एक एक टुकड़े को इस देश की जो है स्वाभिमान को बचाने के लिए आतंकवाद को कुर्बान किया था और आज उनके जन्म स्थल पर उनका जन्म स्थल आनंद भवन उनका जन्म स्थल ही नहीं संविधान के जन्म स्थल का जन्म स्थल है या देश के जो है डेमोक्रेसी का जन्म स्थल है ये देश के सेकुलरिज्म का जन्म स्थल है और यहाँ पर ये पहचान ले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नेहरू की टोपी को उछालने का जो कुकृत तुमने किया था कर्नाटक के चुनाव में वही नेहरू की टोपी आज तुम्हारी जो है छाती के ऊपर चढ़कर कर्नाटक के अंदर तुमको जमीन दो जिस टोपी ने की।